हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ, विच इज़ PCOS एंड सिवियर एक्ने। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग है, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें जानना है कि PCOS है क्या। इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमन होते हैं उनको अगर हार्मोनल कोई डिसबैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से उनको हो सकता है PCOS। अब इसके सिम्टम्स फिर क्या है। फीमेल को इरेगुलर पीरियड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है, एट द सेम टाइम सिवियर एक्ने भी हो सकती है। अब जान लेते हैं कि PCOS के कॉजेज क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से PCOS हो सकता है। अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कभी भी आपने कुछ भी खा लिया, ऑयली फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेस इज अनदर बिग फैक्टर जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से PCOS होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी PCOS होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। एंड स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्लीप डिस्टर्बेंस होने की वजह से और भी कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनमें से एक है PCOS। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक रहना जरूरी है। ये तो हो गया PCOS के बारे में। तो PCOS का जो कंडीशन है वो आप अपना लाइफस्टाइल में सुधार लाकर भी उसे ठीक कर सकते हैं। सब बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है ना, वो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, अगर हेल्दी डाइट लेते हैं, स्लीप पैटर्न आपका एकदम ठीक हो जाता है, 8 आवर्स का साउंड स्लीप आप ले रहे हैं एवरी डे, यू आर बिकमिंग स्ट्रेस फ्री डे बाय डे, तो इसकी वजह से ना PCOS काफी हद तक क्योर हो जाता है। बट जो प्रॉब्लम होता है एक्ने को लेकर, क्योंकि PCOS में आप सिवियर एक्ने फेस करोगे, लेकिन जब PCOS आपका कंट्रोल में आ जाएगा, उस टाइम जो एक्ने प्रॉब्लम है वो कैसे आप ठीक करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। अब देखिए, एक्ने की जो प्रॉब्लम है ना, वो जिद्दी होता है, एक्ने खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर अगर खत्म हो भी गया तो उसका जो एक्ने मार्क्स है वो छोड़ जाता है, उसे फिर रिमूव करना बिकम्स अ वेरी टफ जॉब। तो आपको कुछ ऐसा फेस वॉश और कुछ ऐसा स्किन केयर फॉलो करना है जिसके अंदर निकोटिनामाइड है और सैलिसिलिक एसिड है, बिकॉज दीज टू इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड फॉर एक्ने प्रॉब्लम्स एंड एक्ने मार्क्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू फेस वॉश, आई डेफिनेटली विल सजेस्ट एक्मेड फेस वॉश, क्योंकि इसके अंदर गुडनेस ऑफ टी ट्री ऑयल है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, जो स्किन से एक्सेस ऑयल, डर्ट, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इट प्रिवेंट्स एक्ने। इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जिससे कि पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम वो प्रिवेंट कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। ऐसा कुछ भी इरिटेशन आप फील नहीं करोगे आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश। सेबोजेल एक कॉम्बिनेशन है सैलिसिलिक एसिड और निकोटिनामाइड का। सैलिसिलिक एसिड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक्ने को किल करता है वो, और वो डीप आपके स्किन लेयर्स में पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया को किल करता है और स्किन को एकदम अच्छी तरीके से क्लीन बनाता है, विच इज वाई जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो इसे प्रिवेंट कर सकता है। निकोटिनामाइड ऑन द अदर हैंड क्लीन्स योर पोर्स। एक्सेस सीबम को वो कंट्रोल करता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन D3 है, तो एक्सेस सीबम कंट्रोल होने की वजह से आपका जो पोर है वो क्लीन रहता है। जब आपके पोर्स क्लीन रहते हैं तो बैक्टीरियल एंड जो अटैक होता है वो भी कम होता है, पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम भी कम होती है। सो आई वुड से दैट सेबोजेल इज द बेस्ट जेल एवर फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑल्सो फॉर एक्ने प्रोन स्किन। लास्ट, एक मास्क तो मुझे सजेस्ट करना ही है, बिकॉज आई थिंक बेस्ट जो वर्क करता है वो है मास्क। अगर मास्क इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो आपका जो स्किन केयर गेम है ना वो अधूरा ही रह जाएगा। एंड फॉर मी द बेस्ट मास्क इज एक्मास्क पिंपल केयर कम्प्लेक्शन मास्क। वैसे तो काफ़ी सारे होम रेमिडीज है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और भी कई सारे होम रेमिडीज है, बट डू वी रियली हैव द टाइम टू मेक ऑल दिस? नो, एटलीस्ट आई डोंट हैव द टाइम। हाँ, हो गया वीक में एक बार या महीने में दो बार ऐसा मैंने कर लिया, बट उतना एनर्जी भी नहीं होता, उतना टाइम भी नहीं होता कि चंदन को ऐसे पीसो फिर उसे लगाओ, या फिर मुल्तानी मिट्टी को किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स करो और फिर उसे अप्लाई करो, इतना टाइम तो नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो रेडीमेड मास्क है ना,
ये काफ़ी हैंडी रहता है फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नेचुरल फॉर्म्यूला है जो वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके जो बेनिफिट्स मिलता है सेम बेनिफिट्स आपको मिलेगा, एट द सेम टाइम जो झंझट है ना वो भी नहीं होगा. एंड इट हैज़ एन अमेजिंग प्रॉपर्टी टू अब्जॉर्ब ऑयल. ये ना थोड़ा सा मड मास्क जैसा है जो फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर लेता है एंड फेस को ना अच्छी तरीके से क्लीन बना देता है. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बात शेयर करती हूँ, जब मेरे ना यहाँ पर फोरहेड पर एक पिंपल हो गया था, आई थिंक बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो हीट की वजह से शायद या पोल्यूशन की वजह से पिंपल हो गया था. एंड मैंने ना घर आके तुरंत ये फेस वॉश, फिर जो फेस मास्क है उसे अप्लाई किया एंड देन सेबोजल, उस पिंपल के ऊपर सेबोजल अप्लाई करके मैं सो गई. एंड सुबह जब मैं उठी ना, दैट पिंपल हैज़ रिड्यूस टू दिस मच, मतलब इतना ज़्यादा वो रिड्यूस हो गया है सिर्फ ओवरनाइट ही. सो दीज प्रोडक्ट्स आर रियली इफेक्टिव. इस फेस मास्क के अंदर है टी ट्री ऑयल, चंदन, टर्मरिक, प्रो विटामिन B5, कुकुम्बर. सो यू शुड ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली इसके जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें. मेरा जो कंक्लूजन है वो है कि अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्नी प्रोन स्किन है, अगर आप भी PCOS से परेशान हैं और आपके फेस पर सिवियर एक्नी है, देन डेफिनेटली आपको ये तीनों प्रोडक्ट ही अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना है, दो बार दिन में फॉलो करना है. हाँ, फेस मास्क आप सिर्फ दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं या फिर वीकली थ्राइस भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल वर्क, बट आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना है ऑन अ डेडिकेटेड बेसिस, फिर आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. Bye.